सर गेल्या काही दिवसांपासून अशी चर्चा आहे की वरळीतले आमदार जे आहेत सुनील शिंदे यांचा कुठे साईडलाईन झाल्या तर येत्या काही दिवसात आपल्या पक्षाचे प्रवेश मुख्यमंत्र्यांचे सुनील शिंदे हे कार्यक्षम आमदार होते, दुर्दैवानं त्यांना विधान परिषदेवर जावं लागलं, पण त्याग काय असतो हा सुनील शिंदे साहेबांनी दाखवून दिलेला आहे. आणि सुनील शिंदे साहेबांच्या समोरच आव्हान उभं राहणं ही खरोखरच त्यांच्या दृष्टीनं नाही, एका सच्च्या कार्यकर्त्याच्या दृष्टीनं चुकीची बाब आहे. आणि म्हणून कदाचित ते नाराज आहेत की नाही मला माहीत नाही, परंतु नाराज असतील तर शिंदे साहेब त्यांचं नक्की स्वागत करतील. किशोरीताईंशी मी बोललेलो नाही, परंतु शेवटी प्रत्येकाचं मत असंच होणार आहे की समाजामध्ये जाऊन सामाजिक काम करणारा, लोकांना बरोबर घेऊन जाणारा, सर्वसामान्यांचा मुख्यमंत्री जर असेल त्यांच्यासोबतच राहिलं पाहिजे अशी सगळ्यांची भावना आता निर्माण होईल. नहीं, जांच तो होनी चाहिए क्योंकि उसमें क्या है वो देखना तो चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए, और जो जांच हो रही है वो अच्छी बात है. अगर जिस इसमें कोई नहीं रहेगा तो उसका नाम नहीं आएगा, और अगर कोई रहेगा तो उसका नाम आएगा. नहीं, मैंने ये महाविकास आघाड़ी के बारे में ये नहीं कहा. मैंने ये कहा कि महाविकास आघाड़ी के जो अलग अलग नेता है वो नरेंद्र जी मोदी साहब के ऊपर कुछ ना कुछ बयान देते हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी के NCP के जो विरोधी पक्ष नेता है अजीत दादा पवार साहब ने परसों ये कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसा कर्तृत्व नरेंद्र मोदी साहब के पास है और वो उनके कर्तृत्व के साथ ही पूरा काम कर रहे हैं और ये इलेक्शन जीत रहे हैं, ये अजीत दादा ने बोला है. इसलिए मैंने बोला कि जो वज्रमूठ है वो है या नहीं ये पता नहीं चलता. सर आपने एक बात ये भी कहा कि अब जो है महाविकास आघाड़ी सामना के जरिए चल रहा है, क्योंकि सामना में जो चीज़ें आती हैं उस पर ही चीज़ें डिपेंड करते हैं, लेकिन सामना में बरगोले के खिलाफ भी लिखा जाता है, अजीत दादा के खिलाफ भी लिखा जाता है, आप उसको कहते हैं? नहीं, सामना अभी तो हर एक पार्टी का मार्गदर्शक बन गया है. शरद पवार साहब का मार्गदर्शक बन गया है, क्योंकि शरद पवार साहब ने राष्ट्रीय पार्टी कैसी बनानी चाहिए वो भी उसमें आता है. हमारे ऊपर भी टीका होती है, नाना पटोले साहब ने क्या करना चाहिए, वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसा काम करना चाहिए, राहुल गांधी साहब ने क्या करना चाहिए वो भी सामना में आता है. अजीत दादा ने क्या करना चाहिए, अजीत दादा सुबह कहाँ गए, वापस कैसे आए, ये भी उसमें गाइडेंस होता है. केजरीवाल ने क्या करना चाहिए वो भी वो बोल देते हैं, वहाँ बिहार में क्या होना चाहिए वो भी बोल देते, लेकिन अपने यहाँ क्या चल रहा है वो सामना में से नहीं लाते. इसलिए सामना है हर एक पार्टी का अभी मार्गदर्शक बन गया है. संजय राउत हमेशा कहते हैं कि चुनाव नहीं लिया जा रहा है जानबूझकर के, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव लेंगे तो परिणाम क्या होगा, और गद्दार दिवस के तौर पर के वही आगे आकर के चीजें कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये बात में एक आदमी सुबह से नहीं, तीन आदमी, एक नहीं, तीन आदमी सुबह से शाम तक गद्दार बोल के कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. महाराष्ट्र के जो मतदार हैं उनको मालूम है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कैसे काम कर रहे हैं. महाराष्ट्र की जनता विकास के साथ है, ये तीन लोगों का कोई भी नहीं सुनता. जस्ट एक अपडेट आलेली आहे, जितेंद्र वाडांनी नुकतंच ट्विट केलेलं आहे की राष्ट्रवादीच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर चर्चा झाली. एका सर्वेतनं राष्ट्रवादी हा सर्वात मोठा पक्ष असल्याचं आता स्पष्ट झालेलं आहे. आपली बार MBA सरकार असल्याने ट्विट, महाविकास आघाडी सरकार. प्रत्येक कार्यकर्त्याला स्वतःच्या पक्षाची बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे, स्वप्न बघण्याचा अधिकार आहे, सर्वे करण्याचा अधिकार आहे. त्याच्यामुळे स्वप्न आणि सर्वे जर कोणी केला असेल आणि स्वप्न जर कोणी बघितलं असेल तर त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहे, त्यांच्यावर टीका का करावी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी.
काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।